नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादौन। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की कगार पर है। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अमरावती में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि पुणे, नासिक, वाशिम जैसे इलाके आंशिक लॉकडाउन की चपेट में है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला फिर से लेना पड़ सकता है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से नियमों का पालन करने की अपील की है, वरना फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति होने की बात भी कही गई है। और वहीं कई शहरों में अभी से ही सख्ती बढ़ा दी गई है। जनता के लिए तो सख्ती फिर से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर कुछ वीआईपी पार्टियों के लिए मिल रही छूट फिर से सवालों के घेरे में है। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला हैं। आनंद शुक्ला जी, आपका स्वागत है आर न्यूज पर। धन्यवाद जी, नमस्कार। शुक्ला जी, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना की लहर आई है, इसके क्या कुछ कारण आप मानते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में कंट्रोल नहीं हो पाया था और यही शायद कारण है कि वहाँ पे एक तो वैक्सीन भी नहीं पहुँच पाई थी, कंट्रोल भी नहीं हो पाया था तथा प्रिवेंशन लोग नहीं ले रहे हैं, जैसे कि और जगह हमारे यहाँ दिल्ली में भी या उत्तर प्रदेश में भी प्रिवेंशन काफी लिए, मास्क नहीं लगाते, डिस्टेंसिंग नहीं है और भीड़ भरा जगह है, इसलिए ये सब चीजें बहुत जल्दी से वहाँ फैल गई। और डिफरेंट स्ट्रेन भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेन वहाँ पे आ जाते हैं, कभी कई बार जो है रेजिस्टेंस के कारण आ जाते हैं, कई बार मॉडिफाई हो जाते हैं, कई बार म्यूटेट हो जाते हैं, तो ये संभव है। क्योंकि डिटेक्ट हो गया है इसलिए हम लोग जानते हैं, पहले नहीं डिटेक्ट हो पाता था तो वायरल फीवर करके हम लोग छोड़ देते थे, इसलिए नेचुरल है। लेकिन डिस्टेंसिंग और प्रिवेंशन नहीं मेंटेन करेंगे लोग, मास्क नहीं लगाएंगे, बार बार नहीं हाथ धोएंगे तो दिक्कत होगी और उसके कारण इकोनॉमी का बहुत लॉस होगा और साथ में जो है लॉकडाउन के कारण जनजीवन प्रभावित रहेगा। जी ठीक है, लेकिन शुक्ला जी, जिस तरीके से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, ऐसे में इसको कौन सी वेव समझा जाए? देखिए, ऐसा है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, उसके दो कारण है। एक तो टेम्परेचर अभी चेंज हो गया है, तो जो विंटर सीजन के स्ट्रेन थे वो फ्लेयर अप कर जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन चूंकि हम लोगों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ गई है और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, नेतागण तथा पुलिस अगर सख्त रही तो बहुत आसानी से हम लोग बचा ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं है। थोड़ी बहुत ये एयरपोर्ट वगैरह पे सावधानियां बरतनी है, क्योंकि मैक्सिमम हाई स्पीड जो स्प्रेडिंग है वो एयरपोर्ट की ही है, तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन अगर हम लोग बरकरार रखते हैं तो ये बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ राजीव ओझा हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। चलिए, इनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन आनंद शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार रोज 500 केसेस मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कैसे सरकार इससे निपटे, क्या कुछ रणनीति सरकार को फिलहाल कोरोना से निपटने के लिए बनानी चाहिए? इसमें सबसे पहले तो ये जितना हो सके मैक्सिमम टेस्टिंग करें और टेस्टिंग करने के बाद उनको आइसोलेट कर लिया जाए अगर जो पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग टेस्ट अब काफी बढ़ गया है, पहले 15,000 पर डे था, आज 22,000 से ऊपर पर डे हम लोग का टेस्टिंग हो रहा है। तो वहाँ पे चाहे तो और जगह से डॉक्टर्स बुला लें, ट्रेंड काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं, दिल्ली से टीम बुला लें, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगे और कोई घबराने की बात नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने से ये संभव है कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन टॉक्सिसिटी ज्यादा नहीं होगी, मॉर्बिडिटी नहीं होगी और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन डॉक्टर शुक्ला जी, ऐसे में जो आम जनता है उसके द्वारा भी लापरवाही की जा रही है, ऐसे में आम जनता को भी समझना होगा। बिल्कुल, ट्रेनिंग जरूरी है और चूंकि मीडिया के लोग इसमें काफी सक्रिय होते हैं और उन लोगों का योगदान बहुत ज्यादा होता है तथा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत जरूरी है। लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना है मूवमेंट तथा शादी ब्याह और मीटिंग्स वगैरह सब कैंसिल करानी है, नहीं तो लिमिटेड आदमी को अलाउ करे, 20 से 25 या 50 आदमी, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, उद्धव जी का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि उनके ऑलरेडी काफी मिनिस्टर्स भी इन्फेक्टेड थे लास्ट ईयर में भी, मैंने लास्ट एक वर्ष में, और अभी भी 3-4 लोग
छगनलाल भुजबल है वो भी इन्फेक्टेड है, तो अब ये सब चीजें जानते हुए भी अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और महाराष्ट्र में फैलने के चांसेस काफी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और हाई डेंसिटी। बॉम्बे की विशेष धारावी वगैरह क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कतें हैं, और यही नहीं अगर ये कोठियों में भी स्प्रेड हो गया, कोठियों में कैसे स्प्रेड होता है, वो काम करने वाले लोग आते हैं जाते हैं तो उनके कारण ये स्प्रेड होता है, तो कोठियों में भी बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए बचाव बहुत जरूरी है और टीकाकरण भी जरूरी है, साथ में टेस्टिंग के कारण हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, तथा वातावरण और यातायात दोनों कंट्रोल में रखना है। वातावरण का मतलब ये कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, और आने जाने वाले लोगों पे नजर रखनी है, उनको स्क्रीन आउट करनी है रेलवे प्लेटफॉर्म पे और एयरपोर्ट पे तथा बस स्टेशनों पे। जी ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा जी है। राजीव जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार राजीव जी, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे क्या समझा जाए, सरकार की नाकामी या फिर क्या कुछ और? नहीं देखिए, सरकार की नाकामी के पहले ये समझना होगा कि वहाँ के लोग लापरवाह हो गए हैं। उनको लग रहा है जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट में कोरोना बढ़ रहा है, जैसे केरल है और साउथ के स्टेट है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, वहाँ और महाराष्ट्र खास करके, तो वहाँ पर लोग को ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना का दौर खत्म हो गया, और उन्होंने मास्क पहनना खत्म बंद कर दिया, डिस्टेंसिंग बंद कर दी, अपने को जो कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल था उस पर लापरवाह हो गए हैं, और उसका नतीजा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं फिर से। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चूंकि महाराष्ट्र मुंबई में बाहर से लोग आते हैं, खास करके चाहे केरल हो चाहे बेंगलोर हो या और जहां से यूरोप से अमेरिका से या खाड़ी के देशों से लोग आ रहे हैं, तो वहां खतरा ज्यादा है। और जहां तक डेंसिटी की बात है तो डेंसिटी यूपी से डेंस तो कोई स्टेट नहीं है, लेकिन यूपी में अभी संयोग से कोरोना बहुत एकदम निचली उस पे है और काबू में है, लेकिन अगर लापरवाही बरती गई तो फिर से बढ़ना शुरू हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है कहीं भी। कम केसेस हुए हैं लेकिन कोरोना खतरा बना हुआ है, और अब जो जैसे कि खबर आई है कि यूरोप का नया स्ट्रेन इंडिया में मिला है जो म्यूटेटेड फॉर्म में है, उस अलग रूप में है, उसको पहचानना, उसके सिम्टम्स फर्क हैं, तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के सबसे पहले तो आम नागरिक को, जैसा कि लॉकडाउन के दौरान या उस दौरान करते थे, वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा अभी कुछ अगले कुछ महीनों तक, या कह लीजिए कि 2021 के पूरे वर्ष तक उनको स्ट्रिक्टली अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, तभी कोरोना से हम लोग जीत पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, जनता की लापरवाही है और जनता को मेंटेन भी करना होगा, लेकिन ऐसे में सरकार की ढिलाई भी और लगातार बढ़ते मामलों के पीछे एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। जी बिल्कुल, सरकार को थोड़ी सी जागरूकता के फैलानी पड़ेगी, फिर से नए सिरे से इस पर काम करना पड़ेगा और थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी, और लोगों को अनुशासित करना पड़ेगा कि जो मास्क नहीं लगाए हैं तो उनको पहले समझा के और उसके बाद दंडात्मक कार्रवाई करके उनको, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके पूरे परिवार, आपके पूरे मोहल्ले, आपके पूरे शहर को संक्रमित कर सकती है, ये समझना होगा। इसलिए सरकार का तो सबसे बड़ा दायित्व है कि वो देखिए कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, और जो भी एहतियात बरते जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक कार्यालयों में, वहां पर थोड़ी सी सख्ती फिर से बरतनी पड़ेगी, और जैसे सामूहिक समारोह है, चाहे विवाह है, चाहे दूसरे और भी कार्यक्रम है पॉलिटिकल, वहां पर भी आपको कोरोना के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसको फिर से पालन करवाना ही होगा। तो इसमें सरकारी मशीनरी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसके बिना ये तो सबके पूरे सबके सहयोग से ही आप कंट्रोल कर पाएंगे कोरोना को। ठीक है वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन में अभी टाइम लगेगा, लंबी प्रक्रिया है, और पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने में भी लंबा टाइम लगेगा, तो उसके पहले तो एहतियाती सबसे बड़ा वो है कि आप अपना मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करें अपने को, और भीड़ में से बचें।
बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला जी, लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में नए स्ट्रेन के आने का भी खतरा है, क्योंकि नया स्ट्रेन जो है वो हिंदुस्तान में एंट्री मार चुका है, ऐसे में डॉक्टर्स की मुश्किलें डबल हो चुकी हैं कह सकते हैं? जी बिल्कुल, केसेस बढ़ती जा रहे हैं और लेकिन हमारे डॉक्टर्स की एक्सपर्टनेस काफी बढ़ रही है। अब ये लोग लुकआउट कर लेंगे क्या साइन सिम्टम्स है और कैसे वर्क किया जाए। रही बात स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन ये केवल स्प्रेड कर रहा है, खतरनाक स्ट्रेन नहीं है, फास्ट स्प्रेडिंग है केवल। तो जहाँ तक अभी तक सूचना मिला है और डाटा भी मिला है, इससे कोई ज्यादा डेथ नहीं हो रहा है जैसे पहले था वैसे ही है, तो घबराने की बात नहीं है। इसमें सरकार बस यही करे कि ये डिस्टेंसिंग और मास्क दो चीज बहुत जरूरी है, और भीड़ को जरा तितर बितर करें, मैंने दूर रखें, बस इससे कंट्रोल हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है राजीव ओझा जी, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमने देखा किस तरीके से तमाम शादी समारोह में राजनीतिक पार्टियों ने शिरकत की है, ऐसे में अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसी लापरवाही करेंगे, ऐसे में क्या संदेश जनता को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अगर आप किसी वैवाहिक समारोह में हैं या आप किसी पॉलिटिकल आयोजन में हैं या पॉलिटिकल रैली में हैं, तो आपको जो वहाँ का जो वरिष्ठ वहाँ का नेता, सबसे पहले तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ के उसके फॉलोअर्स या वहाँ की जनता में संदेश जाए और वो उनको बार बार आगाह करे, अपील करे कि देखिए हम कर रहे हैं तो आपको भी फॉलो करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पता लगा कि जो नेतागण हैं या खुद वो कुछ नहीं करते, वो देखा देखी पब्लिक, उनके समर्थक सपोर्टर या वैवाहिक समारोह में आए लोग मेहमान, कोई अच्छा जैसे एक ने मास्क लगाया भी हुआ है, देखा कि कोई मास्क नहीं लगाया तो उसने भी उतार दिया। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और ये कैजुअल अप्रोच है, ये बहुत ज्यादा संकट में डाल सकती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शुक्ला जी, महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, क्या ऐसे में लॉकडाउन दोबारा लगाने से क्या महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों पर काबू पा पाएगी सरकार? बिल्कुल, क्योंकि मूवमेंट कम हो जाएगा लोगों का और कम्युनिकेशन कम हो जाएगा, तथा सबसे बड़ी बात ये है कि जो एग्जॉस्टिव नेशनल होता है वो बहुत जरूरी है, और टेम्परेचर सुनाई दे रहा है आपको? जी बात रखिए शुक्ला जी। हाँ, तो इसलिए ये कंट्रोल हो जाएगा, और चूंकि सरकार भी इसको कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये पेटली एनालिसिस में आता है जिसमें प्रोफेशनल पुलिस और पॉलिटिशियंस ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं, तीनों मिलकर रेगुलेशन अपना पास करें और काम शुरू कर दे, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। जी ठीक है, आखिरी सवाल राजीव ओझा जी मेरा आपसे है, एक साल होने जा रहा है कोरोना को हिंदुस्तान में आए हुए, और लगातार अभी भी जो मामले हैं और जो सिचुएशन है वो जस की तस बनी हुई, ऐसी ही है जो सिचुएशन है वो महाराष्ट्र की भी बनी हुई है, ऐसे में सरकार फिलहाल एक साल होने के बावजूद भी सफल क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए मैं तो कहूंगा कि सरकार सफल है, सरकार अगर आप पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, भारत ने कोरोना को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल किया है, और आगे भी ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि खासकर यूपी में यूपी गवर्नमेंट ने बहुत इफेक्टिवली उसको कंट्रोल किया है, और आगे भी जो जिस तरह से इनकी प्लानिंग है, टीकाकरण की बात हो रही है, उसमें भारत अगर दुनिया के कंपैरिजन में देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में, अमेरिका में बहुत गंभीर स्थिति है, यूरोप में बहुत गंभीर स्थिति है, उस हिसाब से जिस तरह भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और उस हिसाब से भारत ने बहुत प्रभावशाली ढंग से उसको कंट्रोल किया है, तो ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो थोड़ी सी लापरवाही हो रही है कि थोड़ा सा लोग आराम से हो गए हैं कि कोरोना चला गया, तो उनको फिर से संदेश और जागरूकता फैलानी पड़ेगी, नहीं अभी खतरा टला नहीं है और कोरोना क्वारंटाइन है लेकिन अभी पूरी तरह से गया नहीं है और ये अभी लंबे समय तक रहेगा। बिल्कुल, तो इसलिए उनको अभी पूरे साल सावधानी उसी तरह बरतनी होगी जितना कि पिछले साल बरता था।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव ओझा जी और आनंद शुक्ला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उद्धव सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी हो चुकी है।